अहमद बिलाल के पास इस वक्त कुछ अपडेट है। अहमद बिलाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। रेणुका जी, विष्णु देव साय सीएम पद का ऐलान हो गया है, पहला रिएक्शन आपका? मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहली खुशी इस बात की हुई मुझे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आई, क्योंकि सरकार के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। और जो सरकार थी, केंद्र सरकार जो राशि देती थी उसका खूब भ्रष्टाचार होता था। आज हमारे संभाग के एक अनुभवी नेता को विधायक दल का नेता चुना गया है। अब ये हमारे मुखिया के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश में काम करेंगे और हम लोगों की एक बहुत बड़ी टीम है और पूरी टीम मिलकर छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करेंगे। मायूसी क्या आपके चेहरे पे दिख रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीएम की रेस में आपका भी नाम? मेरे चेहरे पे कोई मायूसी नहीं है। यदि मैं आप लोगों के साथ हूँ और देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता की खुशी इस बात में ही होती है कि उसकी पार्टी जीते। आज मेरी पार्टी जीती है और मेरे संभाग के, मेरे आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब हम सब लोगों का हम लोगों का दायित्व है कि हम सब उनके पीछे रहकर उनको सपोर्ट करें और छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक टीम भावना के साथ। मैं थोड़ी कसक रह गई है या सब कुछ मीठा मीठा? कोई कसक नहीं, मुझे कभी कोई कसक नहीं होती है। जब भी मुझे जो जिम्मेदारी मिलती है मैं करती हूँ। मैं तो राज्य मंत्री के रूप में काम कर रही थी, मुझे विधायक के लिए टिकट दी गई, वो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं बल्कि कोरबा लोकसभा की एक सीट से, जहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं था लेकिन जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और आज सरकार बन गई है। अब हम लोग वहाँ पर सरगुजा से ही आते हैं। विष्णु देव साय, टीएस बाबा तक ने कहा था कि मैं रेणुका सिंह को सीएम के पद पे देखना चाहता हूँ। अब वे मैं उनके क्षेत्र की हूँ, अंबिकापुर शहर की मैं सांसद थी, तो स्वाभाविक है कि मीडिया पूछती है तो वो बयान दिए थे। अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। डिप्टी सीएम को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, क्या आप डिप्टी सीएम की रेस में हैं? नहीं, अब मैं ना तो मुख्यमंत्री के रेस में थी, ना मैं मंत्री के रेस में हूँ, ना तो डिप्टी सीएम के रेस में हूँ। हाँ, मैं जरूर इस बात की रेस में थी कि मेरी पार्टी की सरकार बने। आज सरकार बन गई और हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय विष्णु देव साय जी, जो आदिवासी समुदाय के हैं, वो आज विधायक दल के मुखिया बन गए और हम सब मिलकर, क्योंकि बहुत पुराने अनुभवी लोग भी चुनाव जीत कर आए हैं। ये बीते 5 वर्षों में जिस प्रकार से जो हमारा छत्तीसगढ़ है अपराध का गढ़ बन गया है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया है, हम सब मिलकर इसको सजा। आपका नाम इसलिए भी आगे चल रहा था क्योंकि आपकी बेटी मोनिका सिंह ने भी कहा था कि मैं मम्मी को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती हूँ, लेकिन अब साफ हो गया है कि विष्णु देव साय सिंह। हाँ, अब मोनिका के मामा जी बन गए हैं मुख्यमंत्री, इस बात से वो भी बहुत खुश होगी। और वो बच्ची है, हर बच्ची अपने माँ के लिए सोचती है, हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी के नेता के लिए सोचता है, ये सब उनका भाव होता है, उनकी सोच होती है। शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, रेणुका सिंह जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें खुशी है कि इनके ही संभाग सरगुजा से विष्णुदेव साय सीएम को जो है वो छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद लाल, एबीपी न्यूज रायपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।